हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वी वर्सेटाइल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैक्यूम क्लीनर के बारे में। लॉकडाउन में हमने परचेस किया था एक अगारो का ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे पसंद आया था, जो कि डिलीवर लेट हुआ। मैंने सोचा इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोफ़ा के ऊपर कॉर्नर्स में जितनी डस्ट जमी हुई है, हेयर जमा हुआ है, अभी इसकी क्लीनिंग होगी। वो कैसे वर्किंग होगी वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है अगारो का, और ये इसमें 5 मीटर की इसमें कॉर्ड है, जो कि इतनी सफिशिएंट है कि आप एक रूम से दूसरे रूम तक भी एक में स्विच लगा के कर सकते हैं काम। ये इसका हॉस पाइप है, और ये इसके एज पे लगा हुआ है अटैचमेंट। ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, बट अभी मैं यही वाला जिसका नोज़ल है ये यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे कॉर्नर की डीप क्लीनिंग के लिए यही वाला नोज़ल। ये यहाँ पे एक बटन है, एक ही बटन है जिससे ये आपका वैक्यूम चालू हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ से कॉर्नर से कैसे ये सारी डस्ट, हेयर और जितने भी पार्टिकल्स है सारे रिमूव कर देगा, सारे खींच लेगा। हमारे पास एक पैट है जिसका हेयर फॉल होता रहता है, तो यूजुअली जिसके भी घर में पैट है सभी के पैट का हेयर फॉल होता ही है, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे क्लीनिंग करते हो, कैसे मैनेज करते हो, तो हमने सोचा एक वीडियो बना के बता ही दिया जाए कि कैसे क्लीनिंग होती है वैक्यूम क्लीनर से। अभी फ़िलहाल मैं अपने सोफ़े की क्लीनिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली इस सोफ़े का कलर कुछ थोड़ा यूनिक है, जिसमें आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है कि कैसे रिमूव हो रहा है, बट वीडियो के लास्ट में आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसने कितने ज़्यादा हेयर रिमूव किए और कितने ज़्यादा इस पर हेयर ऑलमोस्ट थे जो कि अभी दिख नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से अभी इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है, जैसे कॉर्नर्स पे ये सारे जितने भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जो भी डस्ट पार्टिकल है, छोटे छोटे जो भी जाले हो जाते हैं वो सब ये क्लीन कर लेता है। और जो भी सोफ़ा वगैरह रहता है उसके नीचे भी बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है। एक्चुअली हमारा फ्लैट ही इसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती रहती है, तो इस वजह से ये हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छे से उसे क्लीन कर देता है। यहाँ पे ये डॉगी के भी बहुत सारे बोन्स वगैरह ये सब अंदर रखे हुए हैं। तो अभी ये देखिए मैं इसको कैसे क्लीन करूँगा। अभी जो क्लीनिंग कॉर्नर क्लीनिंग के लिए मैंने अभी दूसरा नोज़ल यूज़ किया था, और अभी ये कारपेट के लिए मुझे अभी दूसरा इसमें अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। इसके साथ में मुझे चार अटैचमेंट मिले थे जो कि सफिशिएंट है। ये वाला जो है ये कारपेट और फ्लोर दोनों पे वर्क करता है। तो इससे अभी आप देखिए इसका, इसमें मैंने एक ये सर्विक वाला स्टेनलेस जो पाइप है वो भी लगा दिया ताकि इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाए और इजीली मैं इसको फ्लोर पे क्लीन कर पाऊँ। तो ये दो अटैचमेंट लगा के अब मैं इससे क्लीनिंग कर रहा हूँ, और देखिए ये जितना भी डस्ट है, ये देखिए ये वाला, ये सारे डस्ट और हेयर इसको कितनी जल्दी इजीली अच्छे से रिमूव कर देगा और पूरा इतना क्लीन हो जाएगा पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी डस्ट थी। ये देखिए पूरे कॉर्नर तक इसका, मतलब कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, एक बार में ये पूरा क्लीन कर देता है।
अभी मैं आपको वैक्यूम क्लीनर का साउंड सुनाता हूँ, चालू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्लीनिंग करते हुए प्रिकॉशन रखना है, जो कि मैंने नहीं रखा। ये देखिए ब्लेंडर हो गया, इसका पावर इतना ज़्यादा है कि वो मशीन बंद करना पड़ी। ये देखिए इसका सक्शन पावर, ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल लीव्स सबको बहुत ही अच्छे से खींच लेता है। इसका जो पावर है वो हमें मिलता है 21.5 किलो पास्कल, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अभी पीछे देख लिया है कि लाइट पार्टिकल को ये पूरा ही खींच लेता है, इस वजह से हमें बंद ही करना पड़ता है, वैसे वो निकल नहीं पाता है। और इसमें वेट एंड ड्राई दोनों कैपेसिटी है, और 1600 वाट की इसकी मोटर है, 1 साल की वारंटी है। और इसका जो कैपेसिटी है वो 21 लीटर की कैपेसिटी है। दूसरा स्टेनलेस स्टील का इसमें जो स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे से क्लीन हो सकता है वो। और इसमें मुझे कि जो ये एक प्रेस वाली बटन है, जिसको आगे पीछे करके आप पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए फिर मैंने वापस ये फ्लोर वाला ब्रश लगा लिया है, ताकि ये सारी क्लीनिंग इजीली हो सके।
तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी क्लीनिंग के बाद आपको कैसे इसका डस्ट पार्टिकल आपको दिखेगा। ये इसका यहाँ से ओपनिंग है, ये इसका वेट एंड ड्राई है, ये फ़िल्टर जो है वाइट वाला है, इसको हटाने के बाद आप इसको वेट पे यूज़ कर सकते हैं। अभी ड्राई के लिए फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि डस्ट और सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये तो पूरा खाली बैग है। तो ये देखिए मैजिक है, जो भी डस्ट है वो इसके अंदर है। एंड दिस इज़ ऑल द हेयर्स डस्ट और जितने भी सारे पार्टिकल्स इसमें दिख रहे हैं, ये सारे इसमें आके जमा हो जाते हैं। उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि आप इसको 3-4 बार यूज़ करके भी साफ़ कर सकते हैं तो भी भरेगा नहीं। ये 21 लीटर्स है। आप इसको ड्राई वेट दोनों में यूज़ करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे वेट क्लीनिंग का भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डालिए, तो मैं इसमें वेट क्लीनिंग का भी एक वीडियो बनाऊंगा और इसका डिटेल एक मैं आपको और दे दूंगा कि कैसे क्या और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स है और पूरी ओपनिंग कैसे क्या, परचेसिंग वगैरह कहाँ से कितने में आता है, वो पूरा मैं डिटेल इसमें डाल दूँगा। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।